हेलो दोस्तों, मैं हूं उर्मिला विष्ट और आप देख रहे हैं स्टोरी ईगल। आज की कहानी है जामुन का बड़प्पन। कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में जामुन का पेड़ था। उसके बगल में साल का हजार वर्ष पुराना पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। साल के पेड़ को अपनी आयु, स्वास्थ्य और मजबूती पर बड़ा अभिमान था। वह अपने पड़ोसी जामुन के पेड़ से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक बार लाल चींटियों का सरदार घर बनाने के लिए उचित जगह की तलाश करते हुए साल के पेड़ के पास आकर विनम्र भाव से पूछने लगा, हे महान साल वृक्ष, आपकी शाखाएं बहुत विशाल हैं, आपका तना बहुत मजबूत है, क्या मैं आपके पेड़ के नीचे अपना घर बना सकता हूँ? आपके पेड़ की छाया में मेरा और मेरे दोस्तों का परिवार सुरक्षित रहेगा। साल का पेड़ टोप दिखाते हुए बोला, ऐसा सोचना भी मत, यहाँ से चले जाओ, अपना घर कहीं और बनाओ। बगल में खड़े जामुन के पेड़ ने साल के पेड़ से निवेदन किया, साल भाई, बना लेने दो इसे अपना घर, तुम्हारी छाया में इसका परिवार धूप बारिश आंधी तूफान से बचा रहेगा। साल का पेड़ जामुन के पेड़ पर बिगड़ते हुए बोला, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें इस पर इतनी ही दया आ रही है तो तुम अपनी जड़ में इसे जगह दे दो। जामुन का पेड़ इस बात से सहमत हो गया। तब लाल चींटियों के सरदार ने जामुन के पेड़ का धन्यवाद करते हुए उसकी जड़ में अपना घर बना दिया। कुछ दिन बाद चार लकड़हारे आए और आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक बोला, इस जामुन के पेड़ को काट देते हैं। तभी दूसरे व्यक्ति ने सचेत किया, रुको, जामुन के पेड़ के नीचे लाल चींटियां हैं। ये लाल चींटियां बहुत खतरनाक डंक मारती हैं, इसलिए इसे संभल कर काटना होगा। इस बात पर तीसरे व्यक्ति ने सुझाव दिया, क्यों न हम जामुन के पेड़ के बजाय इसके बगल वाले साल के पेड़ को काटते हैं। साल का पेड़ बहुत विशाल है, उसका तना बहुत मजबूत है, हमें ढेर सारी इमारती लकड़ियां मिल जाएंगी जिससे हमें बहुत मुनाफा होगा। जामुन का पेड़ काटकर इतना फायदा नहीं होगा, हम साल के पेड़ को काटते हैं वह ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरे व्यक्ति के सुझाव से चारों सहमत हो गए। वे लोग जैसे ही साल के पेड़ को काटने लगे, साल का पेड़ जोर जोर से बचाने की गुहार करने लगा। तब लाल चींटियों ने लकड़हारों पर हमला करके उन्हें वहां से भागने को मजबूर कर दिया। जान बचने के बाद जब साल के पेड़ ने लाल चींटियों का धन्यवाद करना चाहा, तो लाल चींटियों के सरदार ने कहा, धन्यवाद हमारा नहीं, धन्यवाद तो जामुन के पेड़ का करो। अगर वह हमें आपकी रक्षा करने को नहीं कहते तो हम कभी आपकी रक्षा नहीं करते। साल के पेड़ का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसने जामुन के पेड़ से अतीत में किए अपने अभिमानपूर्ण बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। जामुन के पेड़ ने विनम्र भाव से बड़प्पन दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।